हेलो स्टूडेंट, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करते हैं क्लास एट की एक्सरसाइज 11.4 ताज का क्वेश्चन नंबर 6 जो इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है, बोलता है ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर और लेंथ है उसकी 7 मीटर। तो एक मिल्क टैंक का बोलता है जो सिलेंडर की फॉर्म का है, जिसका रेडियस हमें दे रखा 1.5 मीटर और लेंथ है 7 मीटर। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लीटर में बोलता है, इसमें कितना मिल्क आ सकता है लीटर में ये बताइए। तो देखिए, मिल्क स्टोर हो रहा है, तो सीधी सी बात, इसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो 22 ऊपर में 7 और आर रेडियस देखिए दे रखा 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू एच, तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5। तो अब जो भी यहाँ पे ये आंसर आएगा, तो उस आंसर को ये आएगा मीटर क्यूब में। तो अब इस मीटर क्यूब को हमें लीटर में चेंज करना है। तो एक मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर के बराबर। तो ये कितने के बराबर होगा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मिल्क, तो इसमें इन लीटर्स, तो वो हो जाएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1000, तो उसमें आ जाएगा फिर ये लीटर में। तब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49500 लीटर। तो इतना उसमें लीटर जो है मिल्क आएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।